दरभंगा में एक दुकानदार ने मांगा अपना सामान का पैसा, तो अपराधियों ने कर दिया दुकानदार को गोली मारकर लहूलुहान। जी हां, दरभंगा में अपराधियों में पुलिस का भय इन दिनों बिल्कुल खत्म सा हो गया है। बात बात पर चाकू छुरी और गोली चलने लगा है, यहां तक कि जेल के अंदर भी अब कैदी भी सुरक्षित नहीं है। बाहर तो प्रतिदिन चाकूबाजी, गोलीबारी, लूट मार आदि की खबरें आती ही रहती है। इसी बड़े हौसले के साथ एक बार फिर रविवार की शाम अपराधियों ने बहेरी थाना क्षेत्र के शंकर लोहार चौक के निकट अपने सामान का पैसा मांगने पर एक दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया है। वहीं घायल का इलाज फिलहाल डीएमसीएच में चल रहा है। इधर प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल युवक शंकर लोहार के ही गंगा मंडल का पुत्र बैद्यनाथ मंडल है, जो अपने घर के सामने ही पान का दुकान करता था। वहीं रविवार की शाम करीब 5 बजे जब राहुल और लाल बाबू शाह नामक दो अपराधी बैद्यनाथ के पान के दुकान पर आते हैं और पान और गुटखा खाकर सामान का पैसा नहीं देते हैं। वहीं जब दुकानदार सामान का पैसा मांगते हैं तो ये दोनों नशेरी अपराधी गाली गलौज करने लगता है। इधर दोनों अपराधी नशे के हालात में होते हैं, फिर वही स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से इन दोनों अपराधियों को घर भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ देर बाद पुनः वापस आकर लाल बाबू शाह ने बैद्यनाथ दुकानदार पर गोली चला देता है, फिर राहुल के साथ बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो जाता है। इधर एक गोली बैद्यनाथ के दाहिने तरफ छाती पर लगते हुए पार हो गई, वहीं दूसरी गोली दाहिने हाथ पर लगी है, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच जाती है। इधर स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल बैद्यनाथ को इलाज के लिए डीएमसीएच लाया जाता है, जहां इमरजेंसी में उसका इलाज चल रहा है। उधर से दो लोग आया, दो तीन आदमी आया दारू पी के। सर का नाम क्या था? लाल बाबू साहब। कहाँ का रहने वाले? कमार को का सर। उनसे भी कोई मामला था? उनसे भी कोई मामला था? नहीं सर, पहले से नहीं था। ये गुटखा उटका खाने में हुआ, रजनीगंधा सब खा लिया, पैसा मांगने का रखवाली दिखाने लगा। कहाँ का रहने वाला है जिसने गोली मारा? वो रहने वाला है सर कमार पोखर। सर कमार पोखर चौक पे दुकान कर रखा है लाल बाबू साहब। ये घटना घटी है सर कि बैद्यनाथ मंडल जो है वो आपको पान का दुकान चलाता है, पान के दुकान पे वो बैठा हुआ था, और ये लाल बाबू साहब और राहुल कुमार ये दोनों आदमी पल्सर से आया है, ड्रिंक किए हुआ था दोनों आया है। उसके बाद जो है वो मांगा आप रजनीगंधा, तुलसी और ये सिगरेट गोल्ड फ्लैग का पैकेट लिया और कुछ कुछ सामान लिया, जिसमें कि 300-350 का उसका पैसा हुआ। वो पैसा मांगने के बाद क्या हुआ, जो वो ड्रिंक किए हुआ था वो उसको मार बैठा, जो हम पैसा हम नहीं देंगे, हम रंगदारी टाइप का है। तो उसके बाद वो पैसे के लिए झड़प हुआ, उसको सब छोड़ा उड़ा दिया, बोला बाद में पैसा ले लेना, छोड़ दो अभी दारू पिए हुआ है छोड़ दो। तो ये अपना चला गया, ये लोग भी फिर अपना दुकान पे बैठ गया। उसके बाद फिर आधा घंटा के बाद वो जो है फिर आया, उसके बाद फिर दोनों आया उसको मारने लगा दुकान पे बिना कुछ पूछे उसे। फिर जो है सब आदमी छोड़ा दिया, उसको पकड़ना चाहा, फिर वो भाग गया। उसके बाद तीसरे बार जो आया है तो ये लोग अपना आपस में, वो बगल में वो रोड है तो बगल में सब टेम्पू वाले सब रहता है, तो उस टेम्पू पे ये बैठा हुआ था और तीन चार उसका टेम्पू वाले सब जो है ड्राइवर सब है वो बैठा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि आया है और इसको बंदूक के बट से मारने लगा तो सब छिटपुट हुआ। उसके बाद जो है बंदूक के बट से कौन मारा? ये लाल बाबू साहब मारा है बंदूक के बट से। और गाड़ी का रहने वाला है? ये कमार पोखर का रहने वाला है। अच्छा, बट से मारने के बाद? बट से मारने के बाद जो इसके बगल बगल में बैठा हुआ था वो भागने लगा। भागने के बाद ये क्या हुआ कि गाड़ी स्टार्ट था उसका, राहुल कुमार यादव जो है वो गाड़ी स्टार्ट करके रखे हुआ था, पल्सर गाड़ी था बिना नंबर का, उस पे से गोली चलाया है, जो कि बैद्यनाथ मंडल पिता गंगा मंडल को गोली लगी है। तो बैद्यनाथ मंडल पिता गंगा मंडल वो शंकर लोहार के शंकर लोहार क्षेत्र का मामला था, बहेरी थाना का ये मामला है। कितनी गोली लगी है उनको? दो गोली लगी हुई है। कहाँ कहाँ पे? एक हाथ में लगा हुआ, एक पजरा में लग करके गोली बाहर की है। पुलिस प्रशासन कितना देर में वहाँ पे पहुंची? पुलिस प्रशासन को हम लोग बहेरी हॉस्पिटल पे जाने के बाद बोले तो वो लेकिन तुरंत तत्काल में वहाँ पहुंचे, लेकिन घटना स्थल पर गए कि नहीं गए ये हम लोग को मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग बहेरी से डायरेक्ट यहाँ डीएमसीएच रेफर किया गया, तो हम लोग आ गए, लेकिन पुलिस प्रशासन वहाँ हॉस्पिटल पे पहुँचे हुए थे। अभी वहाँ की स्थिति क्या है? वहाँ की स्थिति सर अभी हम लोग को कुछ मालूम नहीं है, हम लोग तो यहाँ लेके आ गए हैं, और हमारे घर में कोई और आदमी है नहीं जो उसको किसी भी प्रकार का। जिनको गोली लगा उनके आप कौन है? हम उनके जीजा हुए। क्या नाम हुआ? संतोष कुमार मंडल मेरा नाम हुआ, बघात घर है मेरा।